ने एक और सराहनीय कार्य किया है। आपको बता दें कि 300 फर्जी मदरसों का पर्दाफाश हो गया है। ये मदरसा जो स्कैम है वो एक बार फिर योगी सरकार ने जांच के आदेश के बाद इसका पर्दाफाश हो गया है। आपको बता दें कि जिन 600 के करीब मदरसों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसके बाद उन्हें सरकारी अनुसंधान भी मिले हैं, उन्हें सरकारी अनुदान में से लगभग करोड़ों रुपए मिले। लेकिन जब जांच के आदेश जारी हुए और जमीनी तौर पे इस बात की जांच की गई, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कई जगहों पे मदरसों के जगह तो तबेले और घर पाए गए। अब ऐसे में उन सभी शिक्षकों के वेतन को बंद कर दिया गया है। और वहीं इस बात को लेके अब बीजेपी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बसपा को घेरने का काम कर रही है, क्योंकि ये तमाम तरह के घोटाले उनके राज्य में जो सामने आए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या होता है इस पूरे मदरसे स्कैम में। लेकिन सबसे पहले हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि वहां जब टीम वहां पे पहुंची जांच की, तो वहां पर तबेले पाए गए। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आजमगढ़ और मिर्जापुर में फर्जी मदरसों की एसआईटी जांच पूरी हो गई है। एसआईटी ने दोनों जिलों में संचालित इन फर्जी मदरसों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अनुशासन से अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि वर्ष 2009 और 10 में आजमगढ़ व मिर्जापुर में बिना भौतिक सत्यापन के कई मदरसों को मान्यता दी गई थी। बाद में उन्हें करोड़ों रुपए का अनुदान दिया गया। वर्ष 2017 में इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई। मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के आदेश दिए। एसआईटी जांच में कई मदरसे फर्जी पाए गए। इसके अल्पसंख्यक विभाग में कई बाबू और अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि मिर्जापुर में एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने घोटाले को उजागर किया था। जांच में यहां संचालित 143 मदरसों में से कई मदरसे फर्जी पाए गए थे। इसी तरह आजमगढ़ में लगभग 250 मदरसों की जांच की गई। इसमें से कई मदरसे सिर्फ कागजों पर चलते हैं। इन मदरसों के नाम पर कोई अध्यापक वेतन उठाया जा रहा है। हालांकि मामला उजागर होने पर वर्ष 2007 से सभी शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ।